हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12th का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है थर्मो डायनेमिक्स। तो थर्मो डायनेमिक्स में जो है बेसिकली दो टॉपिक आता है, एक तो थर्मो डायनेमिक्स जो कि हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं, और दूसरा आएगा थर्मो केमिस्ट्री जो हमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मो डायनेमिक्स। ठीक है, दो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले थोड़ा सा तुमको आइडिया हो तो बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्मो का मतलब क्या हुआ, इसमें दो वर्ड है, एक है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हमको पता है हीट, ठीक है, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हम बोल सकते हैं एनर्जी है। थर्मो का मतलब हुआ हीट, और डायनेमिक्स वर्ड जो है डायनेमिक्स, इसका मतलब होता है फ्लो या मोशन, फ्लो या मोशन। तो बेसिकली एनर्जी का फ्लो होना या एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होना, है ना, कि एनर्जी कैसे कैसे हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुआ या इंथैल्पी में कन्वर्ट हुआ, जो भी है, तो एनर्जी का पूरा कन्वर्जन या एनर्जी इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं कि कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द एनर्जी चेंजेस, टेकिंग प्लेस इन ऑल फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब जो भी एनर्जी चेंजेस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में हो रहे हैं उसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब एक लाइन लिखेंगे स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं या थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या बताता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होगा थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है, खासकर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के वो पर्सपेक्टिव, ठीक है, फिजिक्स में तो तुमने पढ़ लिया, तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले तो बताता है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस या रिएक्शन, या हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शंस की बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, है ना, तो उसको बोलेंगे फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। तो ये थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। दूसरा, ये एफिशिएंसी की भी बात करता है, कितना एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, है ना। और तीसरा ये भी बताता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम। पूछोगे सर ये वाला कैसे, तुमने अगर याद हो तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सवाल किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln K, के हम निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता था, ये डेल्टा जी ये तो थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी अगर हमको पता है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं, और के अगर पता है तो KF / KB, अगर इसमें से मान लो के पता चल गया और KF KB में से कोई एक पता हो तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम में भी वो थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो के आ गया और अपने को क्यू पता रहेगा तो हम वो बता सकते हैं ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा क्यू और के को कंपेयर करके, बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम, मान लो तुमको वो क्यू दिया रहेगा और तुमको डेल्टा जी दिया रहेगा और पूछेगा कि बताओ ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वो मतलब किस साइड वो शिफ्ट होगा, RHS की तरफ या LHS की तरफ, मतलब प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड। तो तुम डेल्टा जी दिया रहेगा तो K निकाल लोगे, Q दिया रहेगा ऑलरेडी K तुमने निकाल लिया, Q और K को कंपेयर कर दोगे, अब तुमको पता है Q ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगा, K ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगा। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन ये इक्विलिब्रियम के बारे में बता सकता है। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे जो तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, है ना। तो टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स
अभी आज का क्लास एकदम बहुत बेसिक लगेगा, लेकिन यही सब बेसिक बेसिक जो टर्म्स है ना आगे यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, पहला है सिस्टम। अब देखो ये तो तुमको पता है, फिर भी बस एज एन आइडिया देने के लिए हम बता रहे हैं। सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मान लो हम जिसके बारे में भी बात करते हैं वो सिस्टम हुआ। मान लो हम बोले कि भाई एक बीकर है और उसमें पानी है, एक बीकर है उसमें पानी है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस बीकर के बारे में जिसमें पानी है। तो ये पूरा बीकर एक सिस्टम हो गया, ये पूरा बीकर एक क्या हो गया, सिस्टम हो गया, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स में कुछ भी बचा। अच्छा, हमारा यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा है, अब मान लो उस पूरे यूनिवर्स में हम इस बीकर की बात कर रहे हैं, तो इस ये बीकर हमारे लिए क्या हुआ, सिस्टम। और इस बीकर को छोड़ के बाकी जितने भी चीज़ यूनिवर्स में हैं वो हमारे लिए हो गया सराउंडिंग्स, वो हमारे लिए हो गया सराउंडिंग्स। इसका मतलब हम ये निकाले कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिल के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, बात समझ लो। मान लो अगर हम किसी पिस्टन की बात कर रहे हैं, हम अगर किसी पिस्टन की बात कर रहे हैं कि भाई ये एक पिस्टन है जिसका प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, जो भी है इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो पिस्टन हो गया ना ये एक सिस्टम हो गया, क्योंकि इसके हम बात कर रहे हैं, इसके लिए जो भी हमको निकालना होगा निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, तो ये हमारे लिए एक सिस्टम हो गया जिसकी बात करते हैं। तो सिस्टम का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ वो यूनिवर्स, क्यों, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो मिलके क्या बनाता है, यूनिवर्स। तो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, साथ ही साथ वो लिखते भी रहो, है ना, ताकि नोट्स तुम्हें बाद में बनाने की जरूरत नहीं पड़े, साथ ही साथ नोट्स भी बनता जाएगा। विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज, इज नॉन एज सिस्टम। क्लियर, तो ये हुआ सिस्टम का डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन जो यूज होगा वो होगा सराउंडिंग, जो कि ये ज़्यादा नहीं होगा, ये थोड़ा देर के लिए होगा, फिर तुमको जब एंट्रोपी पढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आएगा। अच्छा, सराउंडिंग क्या होगा, यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो भी बचा वो सराउंडिंग, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट, साथ ही साथ वो लिखते भी चलो, है ना, अभी कुछ ज़्यादा वो समझने का नहीं है कि बस खाली सुन रहे हैं, लिखते चलो आराम से, सुनते चलो लिखते चलो। और वैसे भी इतना बहुत कुछ तो तुम लोग आज का पूरा क्लास तो हमको लगता है फिजिक्स में पढ़ ही लिए होगे। यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स, इज नोन एज सराउंडिंग्स, ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के लिए। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कि बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करे उसको बाउंड्री बोलते हैं। ये हमारा सिस्टम है, इसके चारों तरफ वो सराउंडिंग्स है, तो हम बोल सकते हैं ये जो लाइन है, ये जो लाइन हम दिख रहे हैं, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस सिस्टम, जो कि इस सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है। तो बाउंड्री का डेफिनेशन क्या होगा, द लाइन और कोई पार्ट, द पार्ट विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो लाइन सेपरेट कर रहा हो या जो पार्ट सेपरेट कर रहा हो उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री पढ़ लिया। अब बाउंड्री जो है वो बहुत टाइप का हो सकता है, एक तो बाउंड्री तुम्हारा, हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री बहुत टाइप का हो सकता है। बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। दूसरा, बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। देखो ना, जैसे बलून है मान लो, तो बलून का जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल है ना, जितना तुम प्रेशर डालोगे वो उस हिसाब से फैलते भी जाएगा, तो बाउंड्री उसका रिजिड नहीं है। गैस पिस्टन का बाउंड्री, उसको वो रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है। तो बाउंड्री कैन बी रिजिड एंड
फ्लेक्सिबल। तो किसी भी सिस्टम की जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिव भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बाउंड्री के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा बाउंड्री के बारे में और बता दें, तो बाउंड्री का जो वॉल होता है ना, बाउंड्री का वॉल, बाउंड्री वॉल वो कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑल्सो। बाउंड्री वॉल कैन बी, या फिर इसको क्या करो, फोर्थ पॉइंट दे दो, इट कैन बी डायाथर्मिक, इट कैन बी डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। अब ये डायाथर्मिक और एडियाबेटिक क्या है, देखो डायाथर्मिक का मतलब जो बाउंड्री है, मान लो ये अगर हम एक कप कॉफ़ी की बात करें, तो कॉफ़ी मान लो तुम बनाए, कॉफ़ी गर्म होगा, तो कॉफ़ी गर्म होने से क्या होगा, जो वॉल है वो भी गर्म हो जाएगा, जो वॉल है वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वॉल है वो कैसा है, जो हमारा वॉल है, जैसे कि हमारा सिस्टम है बाउंड्री, ठीक, बाहर सराउंडिंग। तो अगर मान लो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो तुम कप के पास अगर यहाँ पर हाथ रखोगे एकदम जस्ट बगल में, तो ये वॉल गर्म हो जाएगा, वॉल के वो गर्म होने से अगर तुम वहाँ पास में बहुत हाथ रखोगे, थोड़ा सा तुमको गर्मी फील होगा। इसका मतलब जो हीट है, हीट उसका क्या हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ वो फ्लो कर रहा है, हीट है ना, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब भी ऐसा वॉल हो जिससे कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, तो वैसा बाउंड्री वॉल को डायाथर्मिक बोलते हैं, वैसा बाउंड्री वॉल को डायाथर्मिक बोलते हैं। एक कप ऑफ टी का एग्जांपल जैसे दे दिया। एडियाबेटिक में क्या होगा, एडियाबेटिक में जिसमें कि ऐसे हीट फ्लो ना हो, जैसे कि मान लो जो हम लोग थर्मस फ्लास्क रखते हैं, मान लो उसमें तुमने मान लो वो चाय डाल दिया, जो थर्मस टाइप का होता है ना, बॉटल टाइप का। अब उस चाय को डालोगे तो क्या, बाहर का जो है उसका वॉल वो गर्म थोड़ी ना होगा। तो मतलब कहने का मतलब जो सिस्टम का हीट है वो सिस्टम के अंदर ही है, बाहर कोई हीट नहीं आ पाई, है ना। तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल, है ना। तो इस तरह से बाउंड्री इतनी टाइप्स की हो सकती है, क्लियर है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं आज, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप्स का हो सकता है, इसको भी तुम पढ़े होगे। पहला है ओपन सिस्टम, पहला है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सके सिस्टम और वो सराउंडिंग से। इसको लिख लो, द सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी एंड मास कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या तुम, ओपन सिस्टम का इज नॉन एज ओपन सिस्टम, एग्जाम्पल दो कि ऐसा एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से कि जो तुमको ओपन सिस्टम लगे, बोलो। हम बोल सकते हैं जितना भी ओपन कंटेनर है, मान लो तुमने एक ग्लास लिया, ग्लास, अब इस ग्लास में तुम कुछ भी रखो, मान लो पानी रखो या कुछ भी रखो, तो ये एक तरह से ओपन कंटेनर है। क्यों ओपन कंटेनर है, क्योंकि एक तो एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और मास का भी, ओपन है ना, मतलब वो सराउंडिंग से कुछ इधर भी आ सकता है और सिस्टम से भी कुछ बाहर जा सकता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में मास या एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे मान लो एक कप चाय की अगर हम बात करें, एक कप चाय की बात करें, तो ये मान लो चाय का हैंडल है ना, कप मतलब कप का हैंडल है ये। अब ये एक कप की बात है, उसमें गर्म चाय है, तो गर्म चाय है तो क्या करेगा, गर्म चाय धुआं उठेगा इससे, धुआं मतलब इन द सेंस कौन सा होता है ना, वेपर्स, तो वेपर्स इससे आएगा। तो वेपर्स के थ्रू हम बोल सकते हैं इसमें जो इसका जो मास है वो ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग में, ठीक। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये जो वॉल के थ्रू ये वॉल गर्म हो जा रहा है, और इस गर्मी से सराउंडिंग का जो आसपास जो मॉलिक्यूल्स होगा, सराउंडिंग के आसपास जो मॉलिक्यूल, वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे, जो एकदम चाय के आसपास जो मॉलिक्यूल है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मास भी,
बात सुनो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी वो किस फॉर्म में ट्रांसफर, हीट के फॉर्म में। तो इस तरह से एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास भी, वेपर्स इसके जब जा रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स ही तो इवेपोरेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं बाहर, वेपराइज हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहा है तो इसका मास कम हो रहा होगा, यानी मास और एनर्जी का इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है विद इन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। एग्जांपल दे देते हैं, एक कप ऑफ टी है ना, कप ऑफ टी। दूसरा क्लोज्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम क्या है, इसमें ऐसे बना देना कि एक ऐसा, ये मान लो एक सिस्टम है, पहले ओपन सिस्टम का, ये एक सिस्टम है जिससे एनर्जी और मास, एनर्जी और मास क्या हो रहा है, ये बाहर सराउंडिंग है और ये है सिस्टम, तो एनर्जी और मास ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, जैसे भी करके ट्रांसफर हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में बोलेंगे द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच, इन विच ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट मास, बट नॉट मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम में, सिस्टम और सराउंडिंग में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो और मास का ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो अब सोचो कौन सा क्लोज सिस्टम का, खुद से एग्जाम्पल दो, एंड सराउंडिंग, जल्दी बताओ, सोचो, सोच लिए, बताओ एग्जाम्पल, तुम जो बताओगे वही मैं लिखूंगा अभी, बोलो, आई एम वेटिंग, एग्जाम्पल बताओ, क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड, कुछ लोग सोच पा रहे हैं, जैसे हमने ये जो कॉफी बात की थी, कप ऑफ टी, तो ये क्या था, ऊपर से खुला था ना, ऊपर से खुला था तो एनर्जी और मास का ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन वही इसको बंद कर दे, अगर किसी चीज़ से हम ढक दे, सपोज प्लेट वगैरह से ढक दे, तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, अब क्या होगा कि जो भी एनर्जी है वो तो ट्रांसफर हो सकता है, मतलब हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कुछ वेपर बन के बाहर नहीं जाएगा, कुछ वेपर बन के बाहर नहीं जाएगा, मतलब मास जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जैसे मान लो इसको तुम ढक दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए कि हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, ये वॉल गर्म हो जाएगा, और इस वॉल के गर्म होने से जो सराउंडिंग के आसपास मॉलिक्यूल्स हैं वो भी गर्म हो जाएंगे, तो इसको गर्म कौन किया, इसका हीट एनर्जी है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र कर रहा है, एनर्जी तो फ्लो कर रहा है, लेकिन मास सारा का सारा अंदर है ना, तो हम बोल सकते हैं एक क्लोज्ड कप ऑफ टी, एक क्लोज्ड कप ऑफ टी, कोई भी क्लोज बर्तन, और इसमें कोई भी ओपन वो कंटेनर लोगे तो वो ओपन सिस्टम होगा, कोई भी क्लोज्ड कंटेनर ले लोगे तो वो क्लोज्ड सिस्टम होगा, है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और एग्जांपल दो, तीसरा, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अब देखो इसका फोटो बना दो, ये सिस्टम है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम है, इसका मतलब एनर्जी का तो ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ई मतलब एनर्जी, मास मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम समझा देते हैं पहले, एनर्जी और मास दोनों में से किसी भी चीज़ का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, तो वो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या लिखेंगे हम इसका डेफिनेशन में, कि ऐसा सिस्टम, द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच, इन विच नाइदर एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मास, है ना, ना ही एनर्जी ना ही मास कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा इसका एग्जांपल सोचो, इसका एग्जांपल सोचो, सोचे बताओ,
ऐसा क्या है कि एनर्जी भी ट्रांसफर ना हो मास भी। सोचो हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले जब डायाथर्मिक और एडियाबेटिक वॉल के जिक्र कर रहे थे तो हम बताए थे। अच्छा क्लोज्ड वाले में हमने जो एग्जांपल दिया कप ऑफ टी, उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ हीट एनर्जी फ्लो कर जा रहा था बाउंड्री से, तो इसका मतलब अब वो भी हीट भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तो क्या लेंगे हम, थर्मस फ्लास्क लेंगे? थर्मस फ्लास्क तो ले ही सकते हैं, थर्मस फ्लास्क, या इसमें अगर जनरल एग्जांपल दो तो लिख दोगे कि ऑल क्लोज्ड एडियाबेटिक कंटेनर, ऑल क्लोज्ड एडियाबेटिक कंटेनर। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ऑल क्लोज्ड कंटेनर हैविंग एडियाबेटिक वॉल, है ना। एडियाबेटिक वॉल होगा तो क्या होगा, कोई एनर्जी फ्लो नहीं होने देगा, और क्लोज्ड तो है ही, तो क्लोज्ड है तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा, और एडियाबेटिक है तो एनर्जी को फ्लो नहीं होने देगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंटेनर को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। उसी तरह इसका जनरल एग्जांपल बोले तो हम बोल सकते हैं कि ऑल क्लोज्ड अ कंटेनर हैविंग डायाथर्मिक वॉल, ऑल क्लोज्ड कंटेनर हैविंग डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक है तो इसका मतलब हीट फ्लो कर सकता है, यानी एनर्जी फ्लो कर सकता है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, है ना, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि क्लोज्ड है, है ना। तो इस तरह से हम लोग जनरल एग्जांपल दे सकते हैं। अब मैं तुमसे कुछ कुछ चीज़ पूछूंगा। चलो ये बताओ कि जो अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ व्हाट इज अर्थ, इज एन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, आराम से सोच के बताना, है ना। अभी क्लास में रहता तो बहुत मज़ा आता यार। चलो कोई नहीं, बताओ सोच के, अर्थ क्या है, व्हाट इज अर्थ, सोच के बताना, ये नहीं कि तीन ऑप्शन है ही तो तीनों में तो बोल दिए, सोच के, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन भी मांगते हैं अभी तुमसे। हाँ कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि अर्थ क्या है, ओपन, कैसे कैसे बोले कि अर्थ ओपन सिस्टम है, खुला खुला है सब इसलिए, हाँ, या फिर क्लोज सिस्टम है, क्यों तुम घर में बैठे हो इसलिए, कमरे में बंद हो इसलिए क्लोज सिस्टम, ऐसा क्या बताओ, व्हाट इज अर्थ। इसलिए मैंने एग्जांपल जानबूझ के नहीं दिया, पहले सोचा कि एक बार समझा दूँ, उसके बाद देखो तुम समझ पाते हो कि नहीं इस चीज़ को। एक बार पूछ चुका है पता है, नीट के एग्जाम में पूछा था व्हाट इज अर्थ, और लाइन भी दिया एनसीईआरटी में, अर्थ क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या एडियाबेटिक, सॉरी ओपन क्लोज या आइसोलेटेड। देखिए यही होता है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लोगे अभी, सिस्टम उस्टम पढ़ा के निकाल देते लेकिन यही नहीं पता कि अर्थ क्या है। अच्छा ऐसा सोच के देखो कि अर्थ में क्या क्या चीज़ें ऐसा है जो, क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है अर्थ से, होता ही है, एनर्जी रेडिएशन आता है धूप सूरज उरज से आता है तो गर्मी होता है ना, तो अर्थ हमारा गर्म होता है, इसका मतलब एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग टू सिस्टम, है ना। तो इस तरह से चलो ये तो समझ में आ रहा कि भाई एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मास का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है बता सकते हो, मास का ट्रांसफ़र, अरे बेवकूफ़, जैसे पानी है तालाब और समुंदर वगैरह पानी है तो समुंदर तालाब सूखते हैं, सूखने का मतलब क्या, अर्थ का जो वाटर है इवापोरेट हो रहा है ना, तो जिस टाइम इवापोरेट हो रहा है उस टाइम तो अर्थ का मास कम हो ही रहा है, तो इस तरह से मास भी जा रहा है और क्या, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे अर्थ इज़ एन ओपन सिस्टम। तो यहाँ पर अर्थ भी लिख देंगे, अर्थ इज एन ओपन सिस्टम। वो किसने सही आंसर दिया था, चलो तुक्का ही सही, लेकिन अगर तुमने ओपन सिस्टम बोल दिया तो वो भी सही है ना। अब एग्ज़ाम में थोड़ी ना पूछेगा चार में से एक आंसर मार दिया वो सही हो गया, तुमने क्या सोच के सही मारा गलत मारा, तो हो गया सही हो गया अगर ओपन सिस्टम तुम बोले तो, है ना, वेरी गुड जिसने ओपन सिस्टम बोला। चलो तो ये अर्थ हो गया। अच्छा ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी हमारा बॉडी क्या है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, अरे सर ओपन सिस्टम इस बार पूछें तो ये वाला एग्जांपल क्लोज या आइसोलेटेड में से ही कुछ होगा, ये दिमाग लगा देंगे, लगाओ लगाओ, लेकिन उसके पास तुम्हारे पास लॉजिक कुछ होना चाहिए ना। बताओगे ह्यूमन बॉडी, चलो मास का ट्रांसफर होता है क्या, ऑब्वियसली होता है, तभी तो लोगों का वेट कम बेसी होता है, तो मास का तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है ना। चलो मास तो, एनर्जी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है क्या,
बिल्कुल होता है। मान लो सपोज एक बर्फ का टुकड़ा है, उस पर तुम हाथ रखे, वो हाथ रखे तो तुम्हारा हाथ थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। इसका मतलब जो हाथ का टेम्परेचर नॉर्मल था अब वो ठंडा हो गया, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तभी तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट है ना। वो या फिर हम बोलते हैं कि मान लो किसी का हाथ गर्म है, हाथ किसी का वो गर्म है, तुम उसको पकड़ लिए वो, या फिर सपोज कि आग तुम जलाए हो, ठंडी में लोग आग जलाते हैं ना और ऐसे हाथ सेकते हैं इस तरह से, तो अपना हाथ क्या होता है, गर्म ही तो होता है। तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ ना वो सराउंडिंग से सिस्टम, अपने ह्यूमन बॉडी को हमने सिस्टम माना था, तो बाकी हम ह्यूमन बॉडी को छोड़ के बाकी क्या हो गया, सराउंडिंग। तो आग से हमारा हाथ गर्म हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग से सिस्टम। तो कुछ भी चीज़ अगर सिस्टम से सराउंडिंग जाए या सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी आए, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम, सॉरी क्लोज क्या बोल रहे हैं अभी, इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन सिस्टम। एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और मास तो ट्रांसफर हो ही रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी। अब ये मत बोलना कि सर वो कपड़े पहना दो तो क्लोज हो जाएगा, नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ह्यूमन बॉडी कपड़े में भी क्लोज्ड है, सॉरी ओपन है, और ऐसे भी। चलो ठीक है, तो ये अपने एग्जांपल हो गया। अच्छा एक एग्जांपल और दूँ क्या, बल्ब, बल्ब जो हम लोग जलता है ना रूम में, जो बल्ब जल रहा है वो क्या है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम? तुम सोच रहे हो अरे यार क्या है ये ओपन क्लोज ये, वो तो बताओ सही सही आंसर। तुम अब खुद ही जानते हो कि तुमने इसमें से कितनों का आंसर सही दिया, मैंने तीन क्वेश्चन पूछा, एक अर्थ का, एक ह्यूमन बॉडी का, एक बल्ब का। तो बल्ब का बताओ, एक बल्ब जल रहा है तो क्या है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम? ग्लोइंग बल्ब, एक जल रहा है बल्ब, वो किसका एग्जाम्पल है? अ ग्लोइंग बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम, ग्लोइंग बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। बल्ब तो पूरा क्लोज ही है, लेकिन जब वो लाइट देता है तो देख तो बहुत देर बाद हीट भी हो जाता है वो बल्ब, अगर छुए हो गए, वो पीला वाला जो बल्ब आता है एक, देखियो ना उसको छुओ थोड़ी देर बाद कितना गर्म हो जाता है, इसलिए हमेशा उसको जब भी वो निकालते हैं हम लोग, तो वो कपड़े वगैरह लेके उसको खोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, वो जाता है ना पीला वाला येलो कलर का जो बल्ब आता था, अब तो खैर एलईडी वगैरह यूज होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हीट होता ही है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लोइंग बल्ब से क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रहा है सराउंडिंग में, है ना, अब मास नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो बोल सकते हैं ग्लोइंग बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मो डायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मो डायनेमिक वेरिएबल्स, एक लाइन का डेफिनेशन है बस। अच्छा इसका और भी कुछ कुछ नाम है, कभी कभी इसको स्टेट वेरिएबल भी बोला जाता है, स्टेट वेरिएबल भी बोला जाता है, और कभी कभी इसको थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज भी बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या बोले स्टेट वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक वो क्वांटिटी, बेसिकली ये क्या होता है कि ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं तुमसे कि मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसमें गैस है, इसमें क्या है, गैस है, इसका प्रेशर पी है, इसका वॉल्यूम बी है, इसका टेम्परेचर टी है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स एन है। तो बेसिकली हमने इस सिस्टम को डिफाइन किया, इस सिस्टम को डिफाइन किया। अरे जैसे कि हम बोल देते हैं कि बुनेगड़ी पेस एक क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, जिसमें वो मेडिकल के इतने बच्चे हैं, जेई मेंस के इतने बच्चे हैं, एडवांस के इतने बच्चे हैं, मैनेजमेंट इतने हैं, टीचर्स इतने। तो ये हम एक्चुअली उसको उस सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, पेस को हमने डिफाइन किया कि ऐसा ऐसा है। तो उसी तरह अगर एक सिस्टम को डिफाइन करना है थर्मोडायनेमिकली, तो उसके बारे में बताओ कि उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ठीक है। तो इस तरह से अब मान लो ये एक सिस्टम हुआ, फिर हमने बोला कि एक और वो सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, मतलब इससे अलग है, तो ये एक अलग सिस्टम की बात हुई, ये एक अलग सिस्टम की बात। इवन हमने मान लो एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और वो नंबर ऑफ मोल्स N है। मान लो एक और तीसरा सिस्टम ऐसा हो सकता है जिसमें प्रेशर तो एज इट इज जितना पहले में था वही है, वॉल्यूम भी एज इट इज उतना ही है, टेम्परेचर T2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी N है। तो कुछ भी अगर आपने वो डिफरेंट कर दिया तो वो एक अलग सिस्टम की बात हो गई,
ये एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है ना। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम को कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू डिफाइन करते हैं, उन्हीं को हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल या थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज बोलते हैं। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, कि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विच डिफाइन डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, स्टेट ऑफ स्टेट या कंडीशन है ना, कि किस कंडीशन में है वो सिस्टम, एनी सिस्टम आर कॉल्ड इट्स स्टेट वेरिएबल, या तीनों मतलब स्टेट वेरिएबल बोलो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलो या थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज बोलो, ठीक है। अब वो कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है, प्रेशर प्रॉपर्टीज, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज, लिखते भी चलो सब, सुनते भी चलो, लिखते इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय किसके किसके थ्रू, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर टी, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, मोल्स है ना, एंड ई टी सी, ठीक। और भी हो सकता है, एनर्जी भी बता सकते हैं हम, इंथैल्पी बता सकते हैं उस सिस्टम की, अगर वो एक वो केमिकल रिएक्शन है, हम वो बोल रहे हैं कि इसका गिब्स एनर्जी इतना है, इसका एंथैल्पी इतना है, इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, तो हम वो सब भी बता रहे हैं, है ना। तो कुछ भी अगर बता रहे हैं उस स्टेट के बारे में, तो हम उसको स्टेट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में आएगा स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है। दोज स्टेट वेरिएबल्स विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ और मैकेनिज्म फॉलोड बाई द सिस्टम टू अचीव फाइनल स्टेट आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, कि मान लो कोई एक सिस्टम है, ठीक है, मान लो ये पीवी ग्राफ है, एक सिस्टम है जिसका प्रेशर क्या है, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा 2 atm 3 atm जो भी है, ठीक है, वॉल्यूम कुछ होगा। तो मान लो इसका प्रेशर यहाँ है, अब वॉल्यूम कुछ ही है, अब इस सिस्टम के स्टेट को चेंज किया गया, स्टेट को चेंज किया गया मतलब अब प्रेशर मान लो कहीं यहाँ पर है, अब यहाँ पे इसका प्रेशर क्या है, डिफरेंट है ना, जैसे यहाँ दो था तो यहाँ मान लो एक ही है, यहाँ दो था तो अब यहाँ पर एक ही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये आया, ठीक। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, कि ऐसे फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हो, उनको इस बात से नहीं मतलब है कि किस तरह से वो यहाँ पर आया, अपने को मतलब है कि यहाँ पर भाई कितना था, 2 atmosphere, यहाँ पर कितना था, 1 atmosphere, तो चेंज कितना का हुआ, 1 atmosphere का। अब वो चेंज कैसे हुआ, ये पहले ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे इधर उधर घूमते हुए यहाँ आया, या स्ट्रेटली ऐसे आ गया, या ऐसे जाके ऐसे आया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अपने को ये जो स्टेट है प्रेशर, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ पर का क्या है और यहाँ पर क्या है, इनिशियल और फाइनल पे, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि दोज स्टेट वेरिएबल, दोज स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स है ना, विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ और मैकेनिज्म फॉलोड बाई द सिस्टम टू अचीव फाइनल स्टेट आर कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको, स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब ये जो स्टेट वो फंक्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें एग्जांपल दे दो, एनर्जी भी हो सकता है, एच एंथैल्पी, एस जी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे तुमको पता है, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर ये तो पता ही है, ई से क्या होता है, ई से होता है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में ई, और यू से होगा इंटरनल एनर्जी,
दोनों का एक ही मतलब है, ई या यू का मतलब होगा इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना जान लो कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। एच, एच क्या है, एंथैल्पी है, अच्छा एच एंथैल्पी है, लेकिन डेल्टा एच क्या है, डेल्टा जो है चेंज इन एंथैल्पी, एस क्या है, एस इज एंट्रोपी, बट डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, टी टेम्परेचर ये तुम बताना नहीं, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे, अभी बस इतना वो जानेंगे कि ये सब जो है ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है, यानी ये सब सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन, वो फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे नहीं डिपेंड करते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा जो बात करेंगे वो बात करेंगे पाथ की, कि पाथ फंक्शन क्या हुआ, पाथ फंक्शन बोलो या वेरिएबल बोलो एक ही बात है ना, पाथ फंक्शन की अगर हम बात करें तो पाथ फंक्शन इसका मतलब क्या, वो डिपेंड करेगा किस पे, इनिशियल एज वेल एज फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेगा ही, और साथ ही साथ किस तरह से उसको ले जाया गया उस पे भी डिपेंड करेगा, उस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लें, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड, विच डिपेंड, दिख रहा है ना, प्रॉपर्टीज़ है, दिख ही रहा होगा, प्रॉपर्टीज़ नहीं भी दिख रहा तो स्पेलिंग तो पता है प्रॉपर्टीज़ की है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है तुम लोग के पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड, विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड सभी करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इस पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में, कि जो पाथ फंक्शन होंगे वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा, स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, है ना, ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, क्या देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम एज वेल एज, एज वेल एज द पाथ और मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म फॉलोड, फॉलोड बाय द, बाय द सिस्टम टू अचीव, टू अचीव फाइनल स्टेट आर कॉल्ड पाथ फंक्शन, आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल में मेनली थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज़ आएगा, एक तो आएगा वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन को हम लोग W से डिनोट करेंगे, है ना, और एक आएगा हीट, हीट को हम लोग स्मॉल Q से, ये स्मॉल W है, ये स्मॉल Q है। ठीक है, ये तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स से तो इतना तो पढ़ी होगा। तो वर्क डन और हीट जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इसको मैं तब तक अपलोडिंग में लगा देता हूँ, है ना, इतना इसको हो गया। तो हमने क्या क्या वो बात की इस वीडियो में, बेसिकली हमने बात की भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या है, है ना, फिर उसमें टर्म्स एंड वो उसकी बात की, सम टर्म्स की जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, लाइक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री में हमने एक बाउंड्री जो मेन पढ़ी वो क्या पढ़ी थी, एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। डायाथर्मिक क्या होता है, डायाथर्मिक बाउंड्री में डेल्टा टी, डेल्टा मतलब जो डायाथर्मिक वॉल होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, हीट जो होता है वो क्या करता है, फ्लो कर सकता है, लेकिन डायाथर्मिक में हीट फ्लो नहीं कर सकता है, है ना, ये बेसिकली वो डिफरेंस था। और तुम्हारी बात करें उसके बाद बहुत सारी रिजिड थी, नॉन रिजिड, फ्लेक्सिबल जो भी है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, रियल इमेजिनरी, इतनी बाउंड्रीज की बात की। फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात की, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें हमने बताया कि अर्थ इज एन ओपन सिस्टम कैसे समझाया, ए ह्यूमन बॉडी कैसे ओपन सिस्टम में समझाया, है ना, ओपन सिस्टम मतलब एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सके, क्लोज्ड में मास का ट्रांसफर नहीं लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, और आइसोलेटेड में दोनों का दोनों ट्रांसफर नहीं हो सके, लाइक ऑल ऑल कंटेनर हैविंग एडियाबेटिक वॉल, लाइक थर्मस फ्लास्क में अगर कोई कॉफी रखा हुआ है तो, है ना। अच्छा, प्रेशर कुकर क्या है, प्रेशर कुकर, व्हाट इज प्रेशर कुकर, है ओपन सिस्टम, क्लोज या आइसोलेटेड, देखे इतना पढ़ाने के बाद फिर फंसा दिए ना, यही सोचना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में, आपको अपना बुद्धि लगाना ही पड़ेगा, आप एकदम टीचर के भरोसे नहीं रह सकते कि सब कुछ बता ही देंगे, कुछ तो अपने से सोचोगे ना, अब तुमको लग रहा होगा सर ये सर क्या पूछ दिए, प्रेशर कुकर,
जो बंद प्रेशर कुकर क्या होता है, बंद होता है ना, हाँ, तो क्या क्लोज सिस्टम होगा? प्रेशर कुकर मान लो दाल चढ़ी है, सपोज दाल चढ़ी है, दाल बन रहा है प्रेशर कुकर में, तो ये किस टाइप का सिस्टम होगा? क्लोज्ड है इतना तो पता चल रहा है, तो मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन लेकिन क्या उसके जब सीटी बजती है कुकर से, जब बहुत हीट हो जाएगा तो जो सीटी बजेगी तो बाहर निकलेंगे ना वेपर्स, तो एनर्जी का भी तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो प्रेशर कुकर इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम। अच्छा, ये भी डिपेंड करेगा, ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेशर कुकर तो डिपेंड करेगा ना, अब मान लो प्रेशर कुकर को ऐसे बंद करके रखे हो कहीं साइड में, ठंडा है तो उसमें थोड़ी ना कुछ बाहर निकलेगा, तब तो वो क्लोज ही हुआ, लेकिन हीट वाले कंडीशन में उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ क्या, उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, नहीं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और ऐसे अगर वो कोल्ड कंडीशन में तो कुछ भी वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी भी अंदर ही है और मास भी अंदर ही है, तो उसमें वो आइसोलेटेड बोल सकते हैं, है ना। हीटिंग कंडीशन में अगर बात करें तो क्लोज बोलेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आज का, नेक्स्ट वीडियो में आज ही डालूंगा अपन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी अगर जितना जहाँ तक पढ़ा है ना, उसमें अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो था स्टेट और पाथ फंक्शन, कि पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है कि पाथ पे डिपेंड करे, स्टेट फंक्शन होता है कि पाथ पे डिपेंड ना करे, और पाथ पे कौन कौन डिपेंड करता है, एक वर्क डन और एक हीट, ठीक है, बाकी सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शन ही है। अब नेक्स्ट में बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उससे क्वेश्चन आता ही है, और तुम लोग वो पढ़े भी होगे फिजिक्स में, देखें अगले लेक्चर में कितना पढ़े हो, कुछ कुछ पूछेंगे हम। चलो नेक्स्ट बनाते हैं।